हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं किस तरह से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, किस तरह से मैं स्किन केयर करती हूँ आफ्टर माय शूट। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से परचेज किए हैं, सो सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं आप उन्हें विशलिस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि अमेजन पे कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है अमेजन प्राइम डे सेल। फ्रॉम 23rd to 24th July अमेजन प्राइम डे सेल है, जहां आपको मिलेंगे अमेजिंग से डील्स एंड डिस्काउंट्स ऑन योर फेवरेट फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो विशलिस्ट करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। सो लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। आज का मेकअप लुक काफ़ी सटल पीच काइंड ऑफ समर मेकअप लुक है, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आज का ये मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा। इस मेकअप को मैं रिमूव करूंगी। सबसे पहले मैंने हेयर को टाई कर लिया अच्छी तरीके से, एंड फिर मैं जो भी एक्सेसरीज है वो उसे रिमूव करूंगी। जैसे यहाँ पर मैं वॉच को रिमूव कर रही हूँ, एंड फिर मैंने बायोडर्मा का जो सेंसी बायो H2O है, मतलब माइसेलर वाटर है, उससे एक कॉटन बॉल में लेकर मैं उसे अपना जो मेकअप रिमूव करूंगी। एंड इंस्टेंटली ये मेकअप को मेल्ट करके रिमूव कर देता है। ये माइसेलर वाटर एक्ने प्रोन स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये इजी तरीके से आपके स्किन से मेकअप रेसिड्यूज इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के साथ साथ काफ़ी माइल्ड है। नेक्स्ट मैं डबल क्लेंस करूंगी यूजिंग दिस मेरिट विको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आई पर्सनली लव पोरिंग दिस कोकोनट ऑयल ऑल ओवर माई फेस। ये इतना माइल्ड है और एकदम 100% नेचुरल कोकोनट ऑयल है। मैंने जो मस्कारा लगाया था वो वाटर प्रूफ था, विच इज़ वाई आई हैव यूज दिस कोकोनट ऑयल। मैं अपने आई मेकअप को रिमूव करने के लिए माइसेलर वाटर नहीं इस्तेमाल करती, मैं सिर्फ इसी कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। ये 100% जेन्युइन है एंड इससे मेरे आईज़ पर कोई इरिटेशन मैं नहीं फेस करती। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिमूव माय आई मेकअप यूजिंग दिस कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट मैं द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश को इस्तेमाल करूंगी। ये ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, तो फेस पर मैंने कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल किया इससे पहले, तो जो एक्स्ट्रा कोकोनट ऑयल की ऑयलीनेस है, जो रेसिड्यू रह गया है ना फेस पर, उसे इजी तरीके से फेस से रिमूव कर देता है। एंड आज का जो मेरा ये स्किन केयर रूटीन है एंड मेकअप रिमूवल प्रोसेस है, ये टोटली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव टाइप स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए आई मीन टू से, क्योंकि मैंने सारे प्रोडक्ट्स ही उस स्किन टाइप के बेसिस पर इस्तेमाल किया है। क्योंकि मानसून सीजन, रेनी सीजन में ना ऑयली स्किन टाइप पीपल ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। नेक्स्ट मैं न्यूट्रीजेना का ये ब्राइट बूस्ट जो फेस स्क्रब है इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये काफ़ी माइल्ड फेस स्क्रब है, बट हाँ, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है देन ट्राई टू अवॉइड यूजिंग दिस। मेरी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव है, बट मैं इसे सिर्फ हर वीक एक बार इस्तेमाल करती हूँ, वो भी सिर्फ अपनी नोज़ के साइड्स पर और चिन एरिया पर अच्छी तरीके से इससे मैं स्क्रब करती हूँ। दिस इज़ एन अमेजिंग स्क्रब। इतना माइल्ड है, येट फेस से जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, उसे ईजी तरीके से रिमूव कर देता है। आई पर्सनली लव यूजिंग दिस फेस स्क्रब। नेक्स्ट आई हैव यूज्ड अ फेस पैक ऑन माई फेस। मैंने अयूर सैंडलवुड पाउडर को मिक्स किया है सोमीज कैन एक्टिव के साथ। ये फेस पैक्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, या फिर अगर आपकी स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके ओपन पोर की प्रॉब्लम है, या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इनफैक्ट आप सिर्फ सोमीज का कैन एक्टिव भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ये इजी तरीके से फेस को क्लीन करता है एंड पिंपल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है। दिस फेस पैक इज सो अमेजिंग। सिर्फ 10 मिनट चाहिए एंड देन आफ्टर वॉश यू ऑल कैन सी माई फेस लुक्स सो क्लीन एंड ब्राइट। अभी मेरी स्किन पर ना थोड़ा सा मुझे रैशेज एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, दैट्स वाई मैंने सारे ही प्रोडक्ट्स पिंपल्स एंड एक्ने के लिए इस्तेमाल किया है। मैंने जो ज़ैनिनमाइज़ा का एंटी एक्ने सीरम है उसे इस्तेमाल किया हल्का सा, एंड उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। ये विश केयर का सनस्क्रीन है, ये काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को एंड मॉइस्चराइज्ड भी रखता है स्किन को। डे टाइम था तो इसीलिए मैंने सनस्क्रीन इस्तेमाल किया, एंड सनस्क्रीन इज मस्ट। सो दैट्स इट। इस तरह से मैं अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ एंड उसके बाद का जो मेरा स्किन केयर स्टेप्स है वो भी मैंने शेयर किया है। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। एंड हाँ, मैंने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया है सारे मेरे स्किन पर अच्छे से सूट करते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर क्लेंजर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी क्लेंजर, उसी फेस वॉश से
आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है अपना जो स्किन केयर रूटीन है, आप उसे उस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दूसरा फेस मास्क इस्तेमाल किया है, आपके स्किन टाइप के लिए कोई दूसरा फेस मास्क सूट करता है तो आप वो फेस मास्क ही यूज कर सकते हैं। सो मैं कुछ दो तीन तरह के ऑप्शंस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप के स्किन टाइप के हिसाब से आप अपना बेस्ट जो फेस मास्क है, बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स को आप खरीद सकते हैं। सो इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट मींस द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।